गैलेक्सी एस 24 अल्ट्रा वर्सेज रेडमी नोट 13 प्रो प्लस के बीच में आपको लाइव जूम टेस्ट दिखाएंगे। भाई इसमें हूँ क्वेश्चन आप देख रहे हैं टेक क्रेजी ब्रो, वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर अभी से वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट गाइस गैलेक्सी एस 24 अल्ट्रा की टेस्ट लेते हैं। वो दूरी पे जो इलेक्ट्रिक लाइन बनाया हुआ है वो लाइट को स्लोली स्लोली जूम करते हैं। इस अब पिक्चर क्वालिटी को देखते रहिए, इसमें गाइस 100x तक जूम लेके आपको दिखाएंगे इसकी पिक्चर क्वालिटी कितना बेहतरीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन की वायर है, वायर के आप बहुत ही करीब से देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइन की जो वायर की जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट की आप नीट एंड क्लीन देख पा रहे हैं। गैलेक्सी एस 24 अल्ट्रा पे आपको बहुत नीट एंड क्लीन इमेज देखने के लिए मिला है। तो कैमरा के हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस बार गाइस जूम को आउट करते हैं, स्लोली स्लोली जूम को आउट करते हैं, कितना दूरी पे लाइन है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट गाइस आपको दिखाते हैं रेडमी नोट 13 प्रो प्लस की जूम लेते हैं। तो दिखाते हैं स्लोली स्लोली गाइस जूम करते हैं और अभी तक जो क्वालिटी है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल रही है। और गाइस थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये जो रिजल्ट आपके सामने है ये है 13 प्रो प्लस की। तो ये जो इमेज है, इमेज को आप देख सकते हैं लाइन और इलेक्ट्रिक जो लाइन है आप लाइन को भी देख सकते हैं, बार को भी देख सकते हैं। एस 20 अल्ट्रा जैसा आपको क्लियर इमेज आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही नेगेटिव इमेज इसके अंदर से देखने के लिए मिल रहा है। बस स्टार्टिंग की जो टाइम थी बहुत ही नीट एंड क्लीन इमेज आपको देखने के लिए मिल रही थी। सो गाइस जूम को आउट करते हैं, स्लोली स्लोली जूम को आउट करते हैं और आपको कितनी दूरी पे लाइन बनाया हुआ तो दिखाते हैं। तो नेक्स्ट गाइस दोनों स्मार्टफोन की डे लाइट पे जूम टेस्ट लेते हैं, साथ में गाइस आपको दिखाएंगे दोनों में क्वालिटी कितना आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस जरूर बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्वालिटी देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन दोनों में क्वालिटी देखने के लिए मिल रहा है। तो देखने में ऐसा लगता है गाइस दोनों जोड़ुआ भाई जैसा आपको देखने के लिए मिल रहा है। और थोड़ा गाइस जूम करते हैं, 1x जूम कंप्लीट कर दिया तो अभी तक जो क्वालिटी सामने आया है बहुत ही नीट एंड क्लीन क्वालिटी है 13 प्रो प्लस की। और एस 20 अल्ट्रा की क्वालिटी तो पूछो ही मत गाइस, ये बॉस है। नेक्स्ट गाइस 30x जूम कंप्लीट कर दिया, 30 प्रो प्लस की जो क्वालिटी है तो थोड़ा ड्राउन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो एस 24 अल्ट्रा की क्वालिटी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। नेक्स्ट गाइस 10x जूम कर दिया तो पीछे की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो उसके बाद 30x पे जूम किया तो 30 प्रो प्लस की जो क्वालिटी है बहुत ही डाउन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और एस 20 अल्ट्रा की क्वालिटी मुकाबला बहुत ही फास्ट और नीट एंड क्लीन है। स्टार्टिंग टाइम में 13 प्रो प्लस की जो क्वालिटी थी बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके बाद गाइस 50x जूम कंप्लीट कर दिया, 30 प्रो की क्वालिटी बहुत ही डाउन चला गया और ये जो इमेज है बहुत अधूरा इमेज आपको देखने के लिए मिल रहा है, डार्क स्पॉट आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये जो इमेज है बहुत ही बेकार की इमेज आपको 30 प्रो अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो एक्स 24 अल्ट्रा की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। नेक्स्ट गाइस आपको दिखाते हैं 80x पे जूम कर दिया तो 30x की क्वालिटी बिल्कुल भी गायब हो गया। तो आप देख सकते हैं नेट 100x जूम कंप्लीट किया तो फुल जूम कंप्लीट किया, तो दोनों की क्वालिटी आप देख सकते हैं। 13 प्रो की क्वालिटी बहुत ही नेगेटिव आपको देखने के लिए मिल रहा है, एस 24 अल्ट्रा की बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने के लिए मिल रहा है। ये तो गाइस कंफर्म है 13 प्रो प्लस जो स्मार्टफोन है तो नॉर्मल यूज के लिए बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको कैमरा देखने के लिए मिलेंगे। तो जूमिंग के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बहुत ही बेकार की कैमरा आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस लास्ट में मैं यू कहूंगा ये जो स्मार्टफोन है 13 प्रो प्लस तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एस 24 अल्ट्रा की प्राइस की ये दो स्मार्टफोन है आपको 3 मिल जाएंगे। तो इसकी अकॉर्डिंग ये जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट गाइस आप लोग को दिखाते हैं मून टेस्ट लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के अंदर। तो 1x जूम कंप्लीट कर दिया, ऊपर की तरफ आप मून को हल्का सा देख सकते हैं। उसके बाद गाइस सीधा 10x जूम कंप्लीट कर दिया तो ये दिखा रहा है एस 24 अल्ट्रा पे। तो उसके बाद गाइस 30x पे जूम कंप्लीट कर दिया तो मून को देखिए बहुत ही क्लियर मून आपको देखने के लिए मिल रहा है एस 24 अल्ट्रा पे। उसके बाद 50x जूम कंप्लीट किया तो देख सकते हैं मून की क्वालिटी, डार्क स्पॉट और ब्लैक स्पॉट दोनों ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। मून को आप बहुत करीब से देख पा रहे हैं, बहुत ही यूनिक कैमरा आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद गाइस 80x जूम कंप्लीट कर दिया एस 24 अल्ट्रा पे तो मून की क्वालिटी आप देखते रहे बिल्कुल ओरिजिनल आपको क्वालिटी देखने के लिए मिल रहा है, लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद गाइस 100x जूम कंप्लीट कर दिया तो आप देख सकते हैं मून की क्वालिटी को गाइस देखिए, नीट एंड क्लीन क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो एस 24 अल्ट्रा की क्वालिटी बहुत हाई परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो 13 प्रो जो मैक्स है इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी डाउन है, तो इसलिए मैंने इसके जूम नहीं किया है। तो इतनी दूरी पे इसकी फोकस बहुत ही बेकार आएगी। तो एस 24 अल्ट्रा की क्वालिटी देखिए बहुत ही नीट एंड क्लीन क्वालिटी देखने के लिए मिलेंगे। और गाइस
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और आपकी प्यार सपोर्ट पाने के लिए गाइस जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहना। और आप लोग गाइस वीडियो देखते हैं भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, जरूर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट जूम टेस्ट वीडियो के साथ, टाटा एंड बाय।